मो नाट हूँ एम मंगादेवी आम दुल्लमपुर ग्राम पंचायत रु आसीच श्रीकृष्ण मंदिर प्रतिष्ठा लगे अन्नप्रसाद बंटन कर खुशी लगे बहुत खुशी लगे मंदिर सब काम देखिकी और ट्रस्टी मान सेवा सब बहुत बढ़िया अच्छे तो अपन जो भगवान श्री कृष्ण को ना रे खाना कहबे जय श्री कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। देखुन ये पड़ा रे मुई दीर्घ बरस हला देखू जे से भागवत मंदिर गुटे छोट आकार रे थिला आ दीर्घ दिन धरिकिरी अमर पड़ावासी उद्यम क्रमे सेनु कीर्तन फीर्तन हो पूजा पाठ चलते कि दीर्घ दिन स्वप्न थी आमर ये अंचलवासी आम पड़ावासी आमर दासपड़ार भाई मैंने ये मैंने सब बड़े धार्मिक लाइन रे आगु रही आसीचन आउ ये बहुत दिन स्वप्न निजर उद्यम रे साकार है तार प्रतिष्ठा कार्यक्रम बड़ा धूमधाम रे चलीचे कलश जात्रा गोटे भव्य कलश जात्रा बाड़ी हेटा देखिकी आम मैंने भी अभिभूत हो गलु से जहाँ भी हो आमर अंचल गोटे धार्मिक मार्ग रे चलीचे आउ ये मंदिर आज पूर्णांग होचे प्रतिष्ठा चलीचे आमर काली सरी जीवा और निश्चित भाव रे सबुदिन पूजा पाठ हो करी लोक धार्मिक मार्ग रे परिचालित हो बोल मुझे आशा रखी मुई मोर नाँ हूँ गोपबंधु दास बरगढ़ तलीपड़ा दासपड़ा मेहरपड़ा ये समस्त पड़ा सहयोग आज दीर्घ दिन रु भागवत मंदिर निर्माण होता से भागवत मंदिर टा पूर्णांग रूप नहीं परिचालित होता हेले किसी दिन पर अवनति घटवर तार भव्य मंदिर को आम पुनर्वार निर्माण करने प्रस्ताव पास है आज ये मंदिर टा प्रतिष्ठा हो गत 24 तारीख 1 मास 2023 ईसवी कलश यात्रा है बरगढ़ जनसाधारण कलीपड़ा आवाज बुद्धिमता तथा बरगढ़ सहर समस्त कर्मकर्ता मानू नहीं मंदिर प्रतिष्ठा हो मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव रे महासमागम है जहाँकि लक्षाधिक लोक समागम हो वर्तमान सुधा आर मंदिर प्रतिष्ठा सकाशे इन नामयज्ञ भी बसीचे आउ विग्रह राधा कृष्ण विग्रह अणा नुआ भाव अनाइचे ताको आज जीवन्यास दिया हूँ तार समापन होबाके जाऊचे वर्तमान किसी समय पर महाप्रभुकर महास्नान हेबो महास्नान पर पूजन हेबो पूजन होकर जीवन्यास दिजाव जीवन्यास दिया आमर भव्य मंदिर मंदिर प्रतिष्ठा को पूर्णांग जैन होता मंदिर नवनिर्मित भव्य मंदिर को महाप्रभु विराजमान करबे इतिलागी आमर इटा बरगढ़ सहर शांति समृद्धि सकाशे ये मंदिर आई प्रतिमा को आम प्रतिष्ठा करूचु आउ ये प्रतिष्ठा रे आमर एकांत भाव नहीं बरगढ़ आवालपुर जवंता समस्त सहयोग आम कामना करूँ सहयोग समस्ते जी आसुचन आ बर्तमान आम से ही समागम बर्तमान चलुची मो ना हिमांशु शेखर रथ मु जनैक कर्मकांड ब्राह्मण मोर काम कर्मकांड सुचारू भाव जेपरी हेब एवं ब्राह्मण माने ब्राह्मण पिला माने आकृष्ट हेबे सेथिपाई जत्पर नास्ति चेष्टा करी आसुछे आजि एथे आमे विग्रह एवं प्रसाद प्रतिष्ठा करिवा पई बहु पंडित उपस्थित अछु आउ सत्य कथा कहिबा को गले आम देश भारत बर्ष एक आध्यात्मिक चेतनार देश ये देश भगवान अस्तित्व पर आस्था पोषण कर समस्ते जीवन जापन करती भाषा को नहीं विशाल पक्ष भारत बर्ष दुई भाग विभक्त हो गोटे हूँ हिंदी भाषा भाषी अंचल एवं अन्यटी हूँ अण हिंदी भाषा भाषी अंचल आमे ओडिया ओडिशारे अण भाषा भाषी अंचल
भागवत प्रचलन आवाहन कालू आम गर्व अनुभव करू ओडिशा जगन्नाथ दास संस्कृत भागवत को ओडिया अनुजित करी लोकंकु आकृष्ट करी एवं यही भाषा प्रति लोके आकृष्ट होई केवल जे भागवत प्रचार नुहे ओडिया भाषा को मध्य सम्मान दे आसुचंती भागे लोक हिंदी भाषा भाषी गणित गणी करी मु कहूनी भागे रु अधिक अण हिंदी भाषा भाषी लोक बंगाली बांग्लादेश अच्छी पाकिस्तान ओडिया आसामी एवं आमर तेलुगु तमिल विभिन्न भाषा भाषी लोक से मानकर भाषा ओडिया भाषा सहित संपृक्त समस्ते ओडियार भागवत को पाठ करिबा पाई आग्रही एवं भागवत जे पारायण यही विश्वास समस्त जनसाधारण रही बजाय रखापी धन जन गोपलक्ष्मी अभिजात संपन्न बरगड़ नगर रे विद्वान चरित्रवान आदर्श दास परिवार शिवशंकर दास तांकर पुआ माने एठी दीपक आदि पुआ माने धर्म को रक्षा करिया पाई एवं धर्म प्रचार करिया पाई भागवत धर्म प्रचार करिया पाई आज एक अनवरत प्रयास केवल जारी रखिंट नुहे से मैंने प्रसाद प्रतिष्ठा करी लोक को आकृष्ट करुंटी मोर विश्वास जिते दिन पर्यंत प्रसाद अस्तित्व ये रही लोक निश्चित भाव स्मरण करेंगे एवं भगवान कृष्णचंद्र को राधा कृष्ण को पूजा करेंगे पूजा करेंगे से विश्वास मोर रही राधाकृष्णाभ्याम नमः मु कुलमणी महापात्र पश्चिम उत्कल कर्मकांडीय समिति सभापति बरगढ़ जिल्लार आज जो भागवत प्रतिष्ठा मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव चलुछि ए विषय रे गुढ़ रहस्य अछि आज को प्राय 200 वर्ष पूर्वरु राघव दास बोली थिले बाजीदास थिले दास परिवार प्रथम कण कि प्रथम गाँ गाँ गुंडा मान कर भागवत टुंगी थिला बरगढ़ जिला रोमनाथन्य पंडित मैंने भागवत टुंगी को आरंभ कर जिला तरफ एवं प्रतिदिन भागवत पारायण होता ये आज समस्त जिलार पड़ार दास पड़ारो नायक पड़ारो समलेश्वरी मंदिर पड़ारो समस्त आनुकूल्य आज से भागवत टुंगीटा महामंदिर रूप से परिगणित हो जाए तो परिवार दास परिवार तथा तो यही बरगढ़ जिला समस्त तरफ रू आनुकूल्य महोत्सव आज को पाँच दिन आरंभ हो जाए प्रथम दिन आमर कलश अंगुरार्पण थी कलश यात्रा थी तापर कलश यात्रा महासमारोह प्रतिष्ठित होता लक्ष लक्ष लोक मान समय बाद्य गाद्य अनुकूल्य बहुत समारोह होता तापर दिन प्रथम दिन विहित आम भगवान पूजा अर्चना होता तापर अधिवास होता अग्निस्थापन होता द्वितीय दिन काली महाप्रभु अधिवास पर महास्नान है महास्नान भगवान चक्षु उद्घाटन है तंकर जीवन न्यास है न्यास है षोडश पूजा विधि विधान है तंकर नाना उपचार रे सांग सामने देवता मान पूजा महासमारोह होता एवं विशेष भाव गीता महाजज्ञ अनुष्ठान होता संध्या पर्यंत भगवान आरती पुष्पाजलि कल निर्विघ्न कार्य समापन होता आज तार अंतिम दिवस आज गोपाल सहस्र नाम होम होता पूजा विशेष होता जमी पूजा हुए सेमती पूजा हो विधि विधान सहित पूजा हो शास्त्र अनुसार पूजा होपर आज विशेष भाव
एही अंचलर एही बरगढ़ जिलार यही समस्त सहानुभूति समस्ते लक्ष लक्ष लोक मानकर लगी प्रसाद भोजन भी करनारायण सेवा चली हबिशन चली चली प्रमुख हूँ तापर कौन है आ कि समय पर भगवानी महाआरती हे पुष्पाजलि हे एवं मंदिर रेख प्रतिष्ठा सब सरी जाए कर्ताकर्ती अधिवास कर्मी आदि सब सरी तापर तम चक्र कलस जूप इत्यादि स्थापन हो सरपर आमर स्वर्गद्वार काम हो स्वर्गद्वार पितृपुरुष मैंने एकविंश पुरुष स्वर्ग को प्राप्ति होगी अंचल जितकी भी पुरुष थे समस्त एकविंश पुरुष स्वर्ग को प्राप्ति होगी यही प्रतिष्ठा द्वारा।